नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से 31 जुलाई तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 10वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि में हुआ विस्तार, 29 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर नीतीश सरकार ने लिया ये अहम निर्णय। जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद लेने साईं बाबा के दरबार पहुंचे ईशान किशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में सीबीआई की टीम ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई को तीनों के सॉल्वर गैंग से जुड़े होने का शक है। सीबीआई की टीम द्वारा तीनों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग के इंजीनियर पंकज समेत 2 लोगों को पटना से गिरफ्तार किया था। बिहार में डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां इस तारीख तक रहेंगी रद्द। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ जिलों को छोड़कर राज्य के शेष जिलों में कार्यरत चिकित्सक समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 15 सितंबर तक अवकाश रद्द कर दिया गया है। राज्य में बाढ़ को देखते हुए इसके रोकथाम और निरोधात्मक उपाय के लिए इन्हें विशेष चौकसी करना है, जिसके चलते इनका अवकाश रद्द किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव शैलेश कुमार द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया। अरवल, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में यह आदेश लागू किया गया है। आज से 31 जुलाई तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से छूटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाया जाएगा। इसे लेकर सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर 18 से 31 जुलाई तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेष अभियान के तहत प्रत्येक दिन प्रति पीडीएस दुकान 250 कार्ड निर्माण करना है, जिसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कार्यान्वयन इकाई का गठन किया गया है। पीडीओ द्वारा इस अभियान का अनुश्रवण किया जाएगा। पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड एवं व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर जन वितरण प्रणाली की दुकान पर पहुंचकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। कार्ड बनाने के बाद प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर नीतीश सरकार ने लिया ये अहम निर्णय। बिहार में एक महीने से भी कम समय में 12 से अधिक पुल ध्वस्त हो गए, जिसके बाद अब बिहार सरकार एक्शन में नजर आ रही है। पथ निर्माण विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद राज्य में पुल पुलियों का आकलन शुरू किया गया है। इस महीने तक आकलन के कार्य का पूरा होने की उम्मीद है। वहीं आकलन के आधार पर कमजोर पुलों की पहचान करने के पश्चात उस पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही वहां यह भी लिखा जाएगा कि अमूक पुल से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, जिससे कि ग्रामीण भी सतर्क होकर पुल की सुरक्षा कर सके। 24 साल बाद खदान नीलामी मानचित्र पर लौटा बिहार, 3 ब्लॉक की लगेगी बोली। झारखंड के बिहार से अलग होने के पश्चात बिहार पहली बार देश के खदान नीलामी में शामिल हुआ है। निजी निवेशकों के लिए बने ऑक्शन मैप में 8 में से 3 बिहार के हैं। इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 2000 के बाद पहली बार देश में खदान नीलामी मानचित्र में बिहार का प्रवेश होना गौरव की बात है। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के खनन इकोसिस्टम विजन के कारण बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा खनन उत्खनन विषय पर हैदराबाद में 20 जुलाई 2024 को सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इनमें देश के कुल 8 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल बोली लगाने वालों की घोषणा होगी, जिनमें से 3 बिहार के हैं। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जा रही तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट नहीं मिलेगी। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। विभाग द्वारा कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में इसे अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेड इन बिहार पर जोर, कई कंपनियां कर रही निवेश। बिहार के औद्योगिक विकास को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में पर्ल ग्लोबल और डेकोथलॉन के निर्माता कंपनी ATPL एक बड़ा निवेश करने जा रही है। आज 18 जुलाई से पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन शुरू होने जा रहा है और मीट का समापन 19 जुलाई को होगा। मीट में कई कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं बता दें कि बिहार औद्योगिक विकास में अपनी नई पटकथा लिख रहा है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 26 मई 2022 से टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद से अब तक 28 नई यूनिटों ने बिहार में अपनी रुचि दिखाई है, जिनमें कुछ धरातल पर भी उतर चुकी है। इन्हीं में से बिहार की हाजीपुर बेस्ड एक कंपनी रूसी सेना को मेड इन बिहार जूते की आपूर्ति कर रही है। यह कंपनी रूसी सेना के लिए सेफ्टी सू और यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन समेत कई अन्य देशों के मार्केट को टारगेट करके लग्जरी डिजाइनर जूते बनाती है। 10वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि में हुआ विस्तार, 29 जुलाई तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से विस्तार किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्टूडेंट्स अब 29 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 26 जुलाई तक विद्यालय में शुल्क जमा किया जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का आवेदन 27 से 29 जुलाई तक भरा जाएगा। शुल्क जमा कर देने के बाद 3 दिन तक अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बिहार के मुंगेर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर जिला पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बरियारपुर थाना क्षेत्र के फिलिप उच्च विद्यालय के समीप एक मैजिक वाहन से 6972 विदेशी शराब बरियारपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 युवक को भी अपने गिरफ्त में लिया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल भेज दिया गया है। मैजिक वैन विदेशी शराब भागलपुर से लेकर आ रहा था और मुंगेर पहुंचने वाला था। भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाले संजीव का समस्तीपुर में हुआ भव्य स्वागत। वर्ल्ड शूटिंग पैराशूट चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का मान बढ़ाने वाले संजीव कुमार गिरी का अपने घर समस्तीपुर आने पर बुधवार को भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता जीतने के बाद वो पहली बार अपने गाँव आए थे। जानकारी के अनुसार संजीव चेन्नई में रहकर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं और देश के लिए 2 गोल्ड जीतने के बाद वे पहली बार अपने गांव आए थे। बता दें कि संजीव कुमार गिरी ने इसी वर्ष अप्रैल में साउथ कोरिया के चांगवोन में वर्ल्ड शूटिंग पैराशूटर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद। बिहार सरकार के सीनियर IAS और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के दर्जनों ठिकानों पर ED द्वारा छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। वहीं संजीव हंस के घर से करीब 40 लाख की 15 बेशकीमती घड़ियां बरामद हुई हैं, जो विदेशी कंपनियों की हैं। इसके अलावा 1 किलो से अधिक सोने और जवाहरात भी बरामद किए गए हैं। वहीं पूर्व विधायक गुलाब यादव के पास भी करोड़ों की संपत्ति निकलकर सामने आई है। गुलाब यादव के बैंक खातों से 4 करोड़ से अधिक रुपए मिले हैं। ED द्वारा दोनों की और भी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। बेंगलुरु में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने जीते 9 पदक। बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित 13वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार पैरा एथलेटिक्स टीम ने 9 पदक जीतकर बिहार का जलवा बिखेरा है। यह चैंपियनशिप भारत की पैरालंपिक समिति द्वारा 15 से 17 जुलाई तक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार पैरा एथलेटिक्स ने 9 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल शामिल है। स्वामी शरद चंद्र ने जूनियर T20 वर्ग 1500 मीटर में रजत पदक, धीरज कुमार ने जूनियर T46 वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, मोहम्मद मुरसलीम ने सब जूनियर T11 वर्ग 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता, जबकि गोल्डी कुमारी ने सब जूनियर TF46 वर्ग की शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक, नेहा कुमारी ने जूनियर TF47 वर्ग की लॉन्ग जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा गोल्डी कुमारी ने सब जूनियर TF46 भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक और डिस्कस थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण और धीरज कुमार ने जूनियर TF46 श्रेणी डिस्कस थ्रो इवेंट में कांस्य पदक जीता।
सुपौल के वीरपुर हवाई अड्डे का होगा जीर्णोद्धार, जल्द होगा काम शुरू। 1960 में सुपौल के नेपाल सीमा से सटे वीरपुर में हवाई अड्डे का निर्माण कराया गया था, जहां से घरेलू उड़ान भरने के लिए कोसी परियोजना के मुख्य अभियंता ने हवाई अड्डे की 62.16 एकड़ जमीन सिविल विमानन निदेशालय को हस्तांतरित की थी। इसमें 8.06 एकड़ जमीन कोसी योजना जल संसाधन विभाग एवं 54.10 एकड़ जमीन भारत सरकार की है। इतनी जमीन रहने के बावजूद अभी तक यहां से उड़ान भरने की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व ही हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार को लेकर 5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था, जो अब फाइनल हो गया है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में 8 संदिग्ध को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में बुधवार को पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उससे की गई पूछताछ के आधार पर 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को घटनास्थल के बगल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी पूछताछ जारी है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि जीतन सहनी का खाना बनाने वाला भी शामिल है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद लेने साईं बाबा के दरबार पहुंचे ईशान किशन। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का आज जन्मदिन है। ईशान आज अपना 24वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईशान ने अपने बर्थडे के अवसर पर साईं बाबा के मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वहीं उनके फोटो पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और फोटो पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। बता दें कि ईशान किशन भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं और अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ईशान के नाम वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, छोटू रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौसाद रजा, राजकिशोर महतो, वेद प्रकाश सिंह, बाबुल मरांडी, गोनर शर्मा, मोहम्मद अफजल मंसूरी, जितेंद्र ठाकुर, रवि कुमार राम, कुश कुमार यादव, वरुण कुमार, राकेश मिश्रा, मोहम्मद इरफान, रंजीत मिश्रा, बाबुल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, पूनम लता, मोहम्मद असगर कमाल, सादुल्लाह पालवी, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आप भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन को उनके जन्मदिन के अवसर पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।